नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती मीना जायसवाल है। मैं बीएससी बायो से हूँ और मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया है तथा डीएड किया है। शिक्षा विभाग में मेरा 15 वर्ष का अनुभव रहा है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले से बिलोंग करती हूँ। हमारे कोरिया जिले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं और जलप्रपात हैं, जिसमें से प्रमुख जलप्रपात हमारे यहाँ है अमृत धारा, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही सुंदर और मनोरम है। मैं प्राथमिक शाला शंकरगढ़ में पदस्थ हूँ, जो मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मेरे स्कूल में 80 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। उनका परिवेश पूरी तरह से ग्रामीण है। मुझे कई समस्याएं आई इन बच्चों को पढ़ाने में। मैं अक्सर पढ़ाने के लिए टीएलएम का यूज करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आइडियाज नहीं आते हैं दिमाग में। लगता है कि यार क्या करें कि बच्चों को हम बहुत इजी तरीके से सिखा सकें। जब मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, पैसे खर्च किए बिना भी बच्चों को हम सिखा सकते हैं। और ऐसे कई नवाचार शिक्षा नीति उसमें हमको बताई गई, जिसे पढ़ाने के तरीके में कई सुधार हुआ और मैंने खुद अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार किया है। इसी कार्यक्रम के तहत हमें इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया गया और उसमें इतनी अच्छी गतिविधियां बताई गई हैं जो कि हर सब्जेक्ट पे आधारित हैं और उसको सिखाने का तरीका भी बहुत इजी है। मैंने सीखा कि बच्चों को रटन्त प्रणाली से मुक्त कराना है तो उन्हें करके सिखाना, मतलब एक्टिविटी वर्क पे जब हम फोकस करते हैं तो बच्चा खुद ब खुद इंटरेस्ट लेता है और उसे करके सीखता है। इस प्रशिक्षण में मुझे सबसे ज्यादा यही फायदा हुआ है कि मैं जो अक्सर सोचती थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को अपने आइडियाज को करके कैसे उन्हें सिखाऊं, तो मुझे ZIIEI कार्यक्रम में वो आइडियाज मिलते हैं और मैं उन्हें बच्चों के लिए करती हूँ। बच्चे भी उनको सीखते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था EBS से फैमिली ट्री बनाना, उसमें बहुत ही कई बच्चों ने नवाचार किया है। अलग अलग तरीकों से उन्होंने फैमिली ट्री का निर्माण किया, जो बड़ा अच्छा लगा। जो बच्चे मतलब नहीं भी करना चाहते थे वो करते थे और उसको करके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजते थे, तो अच्छा लगता था। बच्चों को मनोरंजक के रूप में पढ़ाना, बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए पढ़ाना बच्चों के लिए एक नया है और बच्चे इससे बहुत जुड़ते हैं, बहुत ज्यादा जुड़ते हैं अभी क्लास में, और खुश भी होते हैं क्योंकि अभी जो रटन्त प्रणाली है इस ZIIEI कार्यक्रम के तहत लगभग खत्म हो जाएगी। पढ़ाते समय हमें ये भी समस्या होती है कि जैसे हमारे दिमाग में कोई चीज आ रहा है तो कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो जब हमने अपने प्रशिक्षक जो सर हमारे हैं ZIIEI कार्यक्रम के प्रशिक्षक हैं ओम सर, उनसे मैंने बात किया, वो अक्सर हमारी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और बहुत इजीली हमको समझाते हैं। और उसे जब मैं बच्चों को बताती हूँ तो बच्चे उसे फॉलो करते हैं और अच्छे से सीख जाते हैं। मेरा विद्यालय जनपद स्तर पर रोल मॉडल स्कूल इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आज जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वाकई में शहरी नगरीय क्षेत्रों के बच्चों से काफी पिछड़े हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब ये नवाचार किया जा रहा है और बच्चे इंटरेस्ट लेकर सीख रहे हैं तो उनका भी थोड़ा उनका नाम हो ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, वो और सीखें। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के इस मंच का आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा और मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊं अपने स्कूल के साथ साथ जो भी आसपास के बच्चे हैं, क्योंकि आसपास के बच्चे भी सीख रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं इसके एक्टिविटी वर्क को, ग्रिड गेम को, जो कि उनके लिए बहुत नया है।
और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चों को। तो मैं इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ZIEI टीम का कि मुझे इस ट्रेनिंग में शामिल किया और मुझे आज इस योग्य बनाया कि मैं बच्चों को और अच्छा और बेहतर ढंग से सिखा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच।